नोटबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरत्ना कौन है? कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले पर उन्होंने क्यों जताई असहमति? नोटबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आ चुका है। फैसला 4-1 के बहुमत से केंद्र सरकार के पक्ष में आया, जिसके तहत लगभग 6 साल पहले देश में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा गया है। इस फैसले के साथ ही इस पीठ ने इस मामले से जुड़े सभी 58 याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट की संविधान पीठ में नोटबंदी मामले की सुनवाई 5 जज कर रहे थे, जिनमें से 4 ने केंद्र के पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि उनमें से 1 जज ने नोटबंदी के फैसले पर सवाल खड़ा करते हुए फैसले पर असहमति जताई। इस फैसले पर असहमति जताने वाली जज साहिबा हैं बीवी नागरत्ना। देश में की गई नोटबंदी को लेकर अपनी अलग राय रखने वाली जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर नोटों के सभी सीरीज का डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण बैंक के डिमोनेटाइजेशन की कंपैरिजन में कहीं ज्यादा गंभीर विषय है, इसलिए इसे पहले कार्यकारी अधिसूचना के जरिए और फिर कानून के जरिए किया जाना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि धारा 26(2) के तहत डिमोनेटाइजेशन का प्रपोजल RBI की सेंट्रल बोर्ड से ही आ सकता है। जस्टिस नागरत्ना ने इस मामले में अपने बिंदु रखते हुए कहा कि RBI ने स्वतंत्र तौर से अपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया, जबकि सिर्फ नोटबंदी के लिए केंद्र की चाहत को अपनी मंजूरी दी। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि RBI ने जो रिकॉर्ड पेश किए उन्हें देखने से मालूम पड़ता है कि केंद्र की चाहत के मुताबिक पूरी कवायद सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही पूरी कर दी गई। नोटबंदी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की बेंच का फैसला 4-1 के मुकाबले केंद्र के पक्ष में गया है। पीठ ने फैसला देते हुए कहा कि 8 नवंबर 2016 के नोटिफिकेशन में कोई त्रुटि नहीं मिली है और सभी सीरीज के नोट वापस लिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी का फैसला लेते समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी, इसलिए उस अधिसूचना को रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि RBI को स्वतंत्र शक्ति नहीं कि वह बंद किए गए नोटों को वापस लेने की तारीख बदल दे। वहीं कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार RBI की सिफारिश पर ही इस तरह का निर्णय ले सकती है। फैसले में यह भी कहा गया कि कोर्ट आर्थिक नीति पर बहुत सीमित दखल दे सकता है। जजों ने कहा कि केंद्र और RBI के बीच नोटबंदी पर 6 महीने तक चर्चा की गई थी, इसलिए निर्णय प्रक्रिया को गलत नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक लोगों को हुई दिक्कत का सवाल है, यहां पर देखने की जरूरत है कि उठाए गए कदम का उद्देश्य क्या था। इस मामले में अपने बिंदु रखते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन का आतंकवाद के वित्त पोषण, ब्लैक मार्केटिंग आदि के साथ उचित संबंध था। उन्होंने कहा कि ये सवाल उठाना प्रासंगिक नहीं माना जा सकता कि इससे वो उद्देश्य हासिल हो पाए या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।